फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भाग एक से हम लोगों ने शुरू किया था पॉलिटी का, तो उसके अंदर हम लोगों ने भाग एक, दो, तीन और चार, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भाग पाँच के बारे में। ठीक है, पॉलिटी की जो सीरीज है ये बिल्कुल यूपीएससी लेवल को देखते हुए की गई है। यूं समझ लो आप उसी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पॉलिटी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो वो तो अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। एक बार ये जरूर बोलूंगी, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे आपके तीन चार जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप एक बार वो भी जरूर देखिएगा। तो अब देखो भाई, सबसे पहले है भाग पांच। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो संघ है, संघ का वर्णन कौन से भाग के अंदर है? तो भाग पांच में है। किसमें है? भाग पांच में। जो आपका पार्ट फाइव है, ये कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक है? तो ये है आपका आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। तो ये हो जाएगा आपका भाग पांच। अब इसके अंदर देखो भाई, अब ये इतने सारे आर्टिकल हैं, यानी इन सबके अंदर क्या है? इन सबके अंदर आपका राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है, मंत्रिपरिषद भी है, संसद भी है, महान्यायवादी, SC HC मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है, और आपका CAG यानी आपका कैग का वर्णन भी इन्हीं सभी आर्टिकल्स के अंदर है। ठीक है, तो अब ये सारा एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा, हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज करेंगे। जैसे आज वाली क्लास के अंदर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर, राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, उसके हर आर्टिकल के अंदर उसकी शपथ का वर्णन कहाँ पे है, निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ पे है, महाभियोग कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आज वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले ये कुछ दो चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मैं जब भी आपको पार्ट करवाती हूँ, मैं हमेशा ये जरूर बोलती हूँ कि ये वाला पोर्शन आप हर पार्ट का कंप्लीट करो, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो अकेला भारत ने ही नहीं बनाया, और देशों के संविधान से भी कुछ कुछ बातें ली गई है। तो ये चीजें जो है ये एग्जाम का पार्ट जरूर बनती है, कि जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, अभी ये है संघीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, और मैं हर पार्ट के अंदर आपको बताती भी हूँ। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान का प्रमुख कौन होता है, एक तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? जैसे अभी आप देखो अपने देश के अकॉर्डिंग लगा के चलो, अपना प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। जितने भी जो भी बड़े फैसले होते हैं वो मोस्टली हम किसके मुंह से सुनते हैं? नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनते हैं ना, यानी हमारे लिए तो वास्तविक रूप से वही प्रमुख हुआ ना। ठीक है, लेकिन संविधान का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? PM ही होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है। ये क्या होती है भाई? जनता द्वारा निर्वाचित लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, उन्हीं से फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्लियर है, ये बातें तो आप सभी को पता है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाई, यहाँ पे देखो, जो आपकी सरकार होती है, सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला अंग विधायिका, दूसरा अंग कार्यपालिका, तीसरा अंग न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका आपके कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है। क्या करती है? लागू करती है। विधायिका कानून को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उन कानून को लागू करवाने का काम करती है। जैसे देखो, कोई भी कानून बनता है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है ना, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या करती है? लागू। और न्यायपालिका तो पता ही है, इसके अंदर तो आपके HC और SC यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ये तो न्याय करने का काम करती है। क्लियर, ये वाली कानून बनाती है, ये लागू करती है, ये न्याय करने का काम करती है। तो ये तीन अंग आपके कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब आगे देखो भाई, राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति क्या होता है आपका, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी है कि किसी भी देश का पहला नागरिक यानी भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। उसके बाद तीनों सेनाओं यानी जो आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उन तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उनका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन कहां से लेकर कहां तक है, 52 से लेकर 62 तक, ठीक है, 52 से लेकर 62 तक आपके किसका वर्णन है, प्रेसिडेंट का। इसके अंदर आपका कार्यकाल भी आएगा, शपथ भी आएगी, निर्वाचन भी आएगा, महाभियोग भी आएगा, सारी चीजें 52 से लेकर 62 तक, क्लियर। उसके बाद देखो अब हम है ना बिल्कुल यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पढ़ लेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। यहां पे देखो भी सबसे पहले आर्टिकल 52 में क्या बोल रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किसमें बोली है, आर्टिकल 52 में। और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। तो सबसे पहले जहां से शुरुआत होगी वहां पे तो यही बोलेंगे ना कि इंडिया का ऐसा ये होगा, है ना। तो आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात कहाँ पे बोली गई है, 53 के अंदर। जो कानून लागू करता है, मैंने अभी भी आपको बताया था कार्यपालिका लागू करती है, इसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है 54 के अंदर है राष्ट्रपति चुनाव, 54 चुनाव ऐसे कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है ये, क्योंकि जो ये जो आपकी निर्वाचन की, निर्वाचन अलग में है, निर्वाचन की प्रणाली अलग में है, ये बात याद रखना। राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति चुनाव किसमें है भाई, ये है आपके आर्टिकल 54 में। इसके अंदर चुनाव के अंदर कौन कौन पार्ट लेंगे भाई, एक तो दोनों सदन जो आपके लोकसभा और राज्यसभा, जो आपकी लोकसभा राज्यसभा है इसके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित वर्ड पे ध्यान देना, इसके सदस्य नहीं, इसके निर्वाचित सदस्य, प्लस में स्टेट सभी राज्यों के, प्लस में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के, और प्लस में यूटी पुडुचेरी की विधानसभा। तो कौन कौन पार्ट लेगा, सबसे पहला आपका दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, क्लियर। उसके बाद सभी राज्यों के, उसके बाद दिल्ली का, उसके बाद यूटी पुडुचेरी का, तो इन सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के, और इन सभी राज्यों के दोनों सदनों के जो आपके मेंबर है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित वर्ड याद रखना। उसके बाद है 55 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कि कितने तिहाई बहुमत से ऐसे राष्ट्रपति बनता है, कैसे, कौन सा एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, किस टाइप से होता है, वो सारा आपका कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55 में, ठीक है। 54 चुनाव है, 55 में उसकी प्रक्रिया है, याद रख लेना। उसके बाद है आर्टिकल 56 में कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये बात कहाँ पे बोली गई है, आर्टिकल 56 के अंदर। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन पात्रता, अगर दोबारा राष्ट्रपति चुनना हो तो उसके लिए क्या योग्यताएं होगी, ये बात दी गई है आर्टिकल 57 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 58, इसके अंदर क्या है, प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, जो प्रेसिडेंट की योग्यता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बात कहाँ पे बोली गई है आपकी, आर्टिकल 58 के अंदर। तो योग्यता क्या है एक बार वो पढ़ लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, एज उसकी 35 न्यूनतम यानी 35 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं। लोकसभा सदस्य निर्वाचन योग्यता यानी जो लोकसभा सदस्य बनाने के लिए, निर्वाचन के लिए योग्यता होती है वही एक राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। तीनों बातें क्लियर है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए। 35 एज वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35, और फिर लोकसभा सदस्य निर्वाचन की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, क्लियर। ये बात थी आर्टिकल 58 में। 59 में क्या है, शर्तें, कि क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति की। पहली बात, लाभ पद पर न हो, यानी जो राष्ट्रपति है वो कोई भी दूसरी जॉब नहीं करता हो, तो ये वाली बात है उसकी, कि ये शर्त है। फिर है आजीवन उसको बिजली, आवास, चिकित्सा, ये सब चीजें दी जाएंगी, लेकिन वो किसी दूसरे पद पर काम न करता हो तब, क्लियर, दूसरी कोई जॉब न करता हो तो ये सारी चीजें उसको दी जाएंगी। उसके बाद आर्टिकल 60, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 60 के अंदर क्या है, शपथ है राष्ट्रपति की, क्या है, शपथ। तो ऐसे याद कर लेना, 60 शपथ, तीन चार बार बोलोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा। आर्टिकल 61 महाअभियोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है ना, तो महाअभियोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 के अंदर। और जो महाअभियोग की प्रक्रिया है कौन से देश से ली गई है, यूएसए से। कहां से ली गई है,
यूएसए, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 62, लास्ट आर्टिकल है आपका राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति रिक्त स्थान हो जाता है उसको भरने के लिए योग्यता क्या होती है, तो ये बात दी गई है आपके 62 के अंदर। तो इसमें है ना, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान किन किन कारणों से हो सकता है, तो वहां पे कारण है, एक तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो तब दूसरे राष्ट्रपति को लेके आएंगे, या फिर महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया हो तब दूसरे राष्ट्रपति को लेके आएंगे, या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया हो तब दूसरे राष्ट्रपति को लेके आएंगे, या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु यानी कार्यकाल के चलते मृत्यु हो गई हो तब दूसरे राष्ट्रपति को लेके आएंगे, या फिर विशेष परिस्थिति के द्वारा उसको हटा दिया गया हो तब भी दूसरे राष्ट्रपति को लेके आएंगे। तो इन 5 कारणों से राष्ट्रपति चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे बोली गई है, आर्टिकल 62 के अंदर। तो आज हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रीवियस ईयर यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊंगी। नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक आपका उपराष्ट्रपति कल वाली वीडियो में करेंगे। यहां तक वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।